नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ सुरभि। आज हम पहुंचे हैं जनकपुरी के दिल्ली हाट में, जहां पर भगत फॉर्म में डॉक्टर भगत ने प्लांट्स की बेहद खूबसूरत एग्जीबिशन लगाई हुई है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर भगत से कि इस एग्जीबिशन पर उनका क्या कहना है। तो जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इस वक्त दिल्ली हाट में भगत चंद्रा जी ने एग्जीबिशन लगाया हुआ है बहुत सारे प्लांट्स का। तो आइए जानते हैं कि इस एग्जीबिशन में किस किस तरीके के प्लांट्स लगे हुए हैं। इस एग्जीबिशन का पर्पज़ यही था कि प्लांट्स बहुत महंगे ना हों, लेकिन प्लांट्स की प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो सुंदर लगे अपने आप में। दे शुड नॉट बी इन आइसोलेशन। अगर आपने कहीं ड्राइंग रूम में, इंडोर में या सेमी इंडोर में रखा है, तो अंदर घुसते ही किसी की नज़र पड़े और उसको अट्रैक्ट हो, इतना सुंदर होना चाहिए। तो उस चक्कर में ये टेरेरियम बनाएंगे, और इसमें कुछ स्पेशल प्लांटर्स भी हमने डिज़ाइन किए हैं जो हमने कल ही रिलीज़ किए हैं मार्केट में, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो ये आप देख सकते हैं कि टेरेरियम में ये बटरफ्लाइज है और एनिमल्स के साथ ये बनाया गया है। और ये टेरेरियम अभी इनकम्प्लीट है, इस पर मैं महादेव की मूर्ति की वेट कर रहा हूँ, वो आ जाएगी। तो ये गंगा नदी बह रही है और ये महादेव का स्थल है। आसपास जानवर हैं तरह तरह के, तो ये एक उनका रहने का स्थान हो गया। इसी तरह ये डॉल्स और ये बच्चे और एनिमल्स जो हैं, इसमें काफ़ी सारे मिनिएचर्स यूज़ किए गए हैं। इस टेरेरियम में आप देख, एक छोटी सी फिश है, बीटा फिश है जी। इसको फाइटर फिश कहते हैं, बीटा फिश। थाईलैंड और साउथ ईस्ट एशिया से निकली है ये। फिर यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये टेरेरियम में बंद करके भी रखा जा सकता है इसको। और इसमें आप एक ये देख सकते हैं, एक फेरी है जो है ये बैठी हुई है, एंजॉय कर रही है। तो जैसा आप ये बता रहे हैं ये टेरेरियम है, और इसमें प्लांट्स मतलब ऐसे क्या सुरक्षित रह सकते हैं बिना हवा के? आप भी जिस धरती पे रह रहे हैं, यहाँ की ऑक्सीजन जो है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो साइकिल है, वो प्लांट्स मेंटेन कर रहे हैं। आप तो सिर्फ ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ करते हैं, प्लांट ऑक्सीजन भी यूज़ करते हैं और छोड़ते भी हैं। तो ये अपने आप एक अंदर सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बन जाता है। एक ये टेरेरियम है, देखिए इसमें ये फेरी है जो मज़े से बैठ के पूल का एंजॉय कर रही है। तो इस तरह कई तरह के टेरेरियम हमने बनाए हैं, कुछ सिंपल भी हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। अब ये देखिए, इसका जो मॉइस्चर है ये सब नीचे गिरेगा, और ये पानी है। अब इसको बने हुए कम से कम 4 हफ्ते हो गए हैं, तो ये अभी ऐसे ही चल रहा है, देखिए ना बंद है। और ये प्लांट अम्ब्रेला पम कहते हैं इसको, ये इसको ज़्यादा पानी चाहिए। और जैसा तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे बोनसाई करके भी है कोई प्लांट, तो आप बोनसाई, बोनसाई देखिए, एक तो फाइकस में है बोनसाई, वो भी फाइकस में है। यहाँ पे आपको मैं एक दिखाता हूँ, ये बोनसाई अब ये कम से कम 10-12 साल पुराना है। आप देख सकते हैं रूट इसकी और स्टेम इतना मोटा हो गया, और प्लांट 8-9 इंच का ही है। तो ये स्पेशल है, इसको फाइकस जिनसिंग कहते हैं। और जो ये है, क्या है यह है, इसका नाम, कोई इस पर फ्लावर्स नहीं लगते, कुछ नहीं है, पर इसकी रूट्स ऐसे होती है, तो इसका नाम है चाइना डॉल। डॉल हमने यहाँ पे हिंदुस्तानी बिठा दी है, तो इस तरह इसकी एक शो बन गई है। तो प्लांट को ना अट्रैक्टिव किया जा सकता है काफ़ी। देखिए ये हमने नए प्लांटर्स बनाए हैं, अभी रिलीज़ किए हैं हमने इनको, स्पेशली खुद ही बना के इसको। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो नीचे चली जाती हैं, और वो आप देख सकते हैं कि नीचे से पानी ले लेती हैं, और धीरे धीरे ये प्लांट खूब घने हो जाते हैं, नीचे आपको रूट्स दिख जाएंगी। तो इसमें क्या है कि प्लांट्स की मेंटेनेंस बड़ी इजी हो जाती है, कि आपने हफ्ता 10 दिन पानी नहीं दिया तो नीचे का जो पानी है वो लेती रहेंगी। एग्जैक्टली, मतलब हम इसे अपने घर में कहीं शो पीस की तरह कहीं भी ऐसे सजावट के तौर पर रख सकते हैं। इंडोर प्लांट है तो थोड़ी सी रोशनी चाहिए इसको, कलर्स भी बहुत प्यारे, पत्ती का साइज भी छोटा ही रहेगा इस वाली का। ये इसमें कई वेराइटी हैं हमारे पास, ये देखिए वाइट है, ये पिंक सा है, ये मेहरून सा है, सिंगोनियम कहते हैं इसको, सिंगोनियम वैरायटी है। अब आप जानते हैं कि ये पुदीना उगाने का टाइम नहीं है, लेकिन हमने पुदीने को भी इसमें हाइड्रोपोनिक में लगा दिया है। तो आप अगर घर में थोड़ा सा भी गर्म जगह पे रख देंगे तो आपको सारा टाइम पुदीना मिल जाएगा इसमें। तो ये बढ़ता जाएगा, भी घना हो जाएगा खूब। इसमें पानी में ऑर्डिनरी पानी भी डाल सकते हैं, और कभी कभी इसमें NPK थोड़ा सा कुछ दाने डाल देंगे या कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे, तो उसे प्लांट को न्यूट्रिशन मिल जाएगा। कह सकते हैं एक तरीके से आपने एक अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट किया है इन पौधों के साथ। पौधों के साथ सुंदर बनाने में मज़ा आता है, खेलने में मज़ा आता है, और जो साइंस की बेसिक नॉलेज है उसको यूज़ करने में मज़ा आता है। तो आइए जानते हैं इन खूबसूरत प्लांट्स के प्राइजेस क्या हैं। जी मैम बताइए। जी मैम, जैसे ये जो हमारा प्लांट है इसकी कीमत है 300 रुपये जी, और जो बोनसाई आप यहाँ देख रहे हैं वो अलग अलग रेट पे है,
ये डिपेंड करता है कि कितनी पुरानी बोनसाई है। डॉक्टर भगत फार्म द्वारा लगाए गए इस प्लांट्स के एग्जीबिशन में आपको तरह तरह के प्लांट्स देखने को मिलेंगे। अब वो चाहे बोनसाई का प्लांट हो या पॉलीटेरेरियम का, यहाँ अनगिनत प्लांट्स की खूबसूरती देखने को मिलेगी। आपको बता दें, ये प्लांट्स बिना पानी और रोशनी के भी रह सकते हैं। ये काफी टाइम तक रह सकते हैं और सारे प्लांट्स आपको आपके बजट में मिल जाएंगे। तो जैसा आपने देखा, डॉक्टर भगत ने अपने लगाए हुए प्लांट्स एग्जीबिशन के बारे में हमें बहुत कुछ बताया और हमें बहुत कुछ जानने को भी मिला। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ सुरभि, इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।